दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दियां शुरू हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि भाई सर्दियों के अंदर आप कैसे पढ़ाई करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, कम्प्लीटली आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा पूरा देखिएगा जरूर। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी पढ़ाई से संबंधित इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। दोस्तों, बात करते हैं सर्दियों के अंदर कैसे पढ़ें। दोस्तों, दो तरीके हैं। पहला तरीका बता देता हूं, टेबल पे पढ़ने का। सबसे बेस्ट टेबल कुर्सी, जो ज़्यादातर बच्चे यूज़ में लेते हैं और सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी टेबल पे टेबल सामने रख के कुर्सी पे आराम से बैठ जाना है। उसके बाद में एक शॉल ले लेनी है और अपने पैरों को कवर कर लेना है। और बाकी आप लोग यहाँ पर हाथ के लिए वो ला सकते हैं शॉर्ट मोजे, जो यहाँ पर अंगुलियाँ खुली रहेगी तो आप कोई लिख सकते हो। और ये ध्यान रखना, सबसे बेस्ट तरीका है लिखते रहना है सर्दियों के अंदर। वो लिखते रहोगे ना, आपको याद भी अच्छे से होगा, इसके साथ में आपको नींद वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। और जैकेट वगैरह पहन के आप आराम से लिख के पढ़ाई कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। आप लोगों को बस यही है, मोजे वगैरह पहन के अच्छे से स्कूल के अंदर जैसे बैठते हो वैसे बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अपना पैर वगैरह अच्छे से ढक लेना, जिससे आपको सर्दी नहीं लगे। मतलब मेन जहाँ पर सर्दी लगती है वो पार्टसन आपको अच्छे से ढक लेना है और वहाँ पर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ये भी है कि लगातार वहाँ पर मत बैठना। दोस्तों, कभी भी कुर्सी पर बैठ के पढ़ो या फिर कहीं पर भी बैठ के पढ़ो, रेगुलर मत पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर मतलब एक 45 मिनट बाद में एक बार थोड़े टाइम के लिए बीच में खड़े हो जाओ, रेस्ट लेनी चाहिए, जिससे शरीर मतलब अकड़े नहीं, प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारे बच्चों के साथ में। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखें। गाइस, आप बात करते हैं दूसरे तरीके की, क्योंकि अपन कई बार क्या होता है, कुर्सी पे बैठे बैठे परेशान आ जाते हैं, फिर अपने पास में बैठने का तरीका बस एक ही बचता है, जो आपका बेड है उस पे बैठने का तरीका। लेकिन दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बेड पे कैसे बैठना है वो आपको बता देता हूँ। साइड में आपको एक टेबल दिख रही होगी और ये जनरली आपने देखी भी होगी कई बार, आपको ऐसी ही टेबल परचेज कर लेनी है और वो अपने बेड पे सामने रख देनी है और उसके ऊपर बैठ के आराम से लिख सकते हो। इसमें प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है, आधा पौन घंटे के बाद में आपको 101% उठना ही है, क्योंकि आप अकड़ जाओगे फिर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको आधा पौन घंटे के बाद में उठना है, 5 मिनट रेस्ट लेनी है, उसके बाद में वापस बैठना है, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। बाकी आप लोग अच्छे से अपने आप को कवर करके और पेन कॉपी 101% इसके अंदर यूज़ में लेनी है, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ जाएगी, आपको नींद भी आ सकती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। बाकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ये दो तरीके यूज़ करके सर्दियों के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद में आपको बता दूं दोस्तों, ये एक प्रकार से जेन्युइन तरीके थे जो हर कोई यूज़ ले सकता है और कई बार कुछ लोगों ने यूज़ लिए भी हैं, तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा बता दूं, आपको किसी की भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाके फॉलो करके आप मैसेज डाल देना, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी हुई तो सबके साथ शेयर कर लूँगा अच्छा सा वीडियो बना के। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे लाल कलर बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले, उनको भी एक गाइड मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं जय हिंद।